राम। शद्रक मेशक अबदनगो बल दी अग विच पाया, बल दी अग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया। शद्रक मेशक अबदनगो बल दी अग विच पाया, बल दी अग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया। वो अपने बंदियां दे रहिंदा है नाल सदा, वो अपने बंदियां दे रहिंदा है नाल सदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। पौलुस ते सिलास नूं वेखो विच जेल दे पाया, हत्थां पैरां विच बेड़ियां रग रब वेख ना पाया। पौलुस ते सिलास नूं वेखो विच जेल दे पाया, हत्थां पैरां विच बेड़ियां रब वेख ना पाया। ओ ना दी बंदगी ने दिती है जेल हिला, ओ ना दी बंदगी ने दिती है जेल हिला। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। नाल नाल जराइलिया मूसा जदों सी लाल समुंदर आया, अगे पानी पीछे फौजा मूसा सी घबराया। नाल जराइलिया मूसा जदों सी लाल समुंदर आया, अगे पानी पीछे फौजा मूसा सी घबराया। पानी दे विच्चों दी दिता है राह विखा, पानी दे विच्चों दी दिता है राह विखा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। आमीन, हालेलुया, थैंक आमीन, यू हालेलुया। जीसस। बेशक हम अकेले नहीं है, खुदावन हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। ये कितनी बड़ी गवाही है कि वो तीन जो थे सत्रक मिसिक और बेंडिगो, वो तीन थे कि खुदावन उनके साथ था, वो खुदावन के की हजूरी में थे, तो खुदावन उनको किस तरह आग से बचाया। तो हमारे लिए इससे बड़ी फखर की बात क्या हो सकती है कि हमारा खुदावन हमारे साथ है। तो और इस सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही खुदावंद है, एक ही रूह है और एक ही बेटा है। सारा जहान चाहे कहीं भी चला जाए, वापस उन्होंने इसी खुदावंद के पास आना है जो जिंदा है। तो हमारी खुशकिस्मत यह है कि हम जिंदा खुदावंद को मानते हैं। हम बहुत खुशकिस्मत है कि हम एक जिंदा खुदावंद को मानते हैं, हम सही ट्रैक पे हैं। तो इसी तरह मुसलसल हम उस पर भरोसा रखेंगे तो वो हमारी हर एक चीज जो है ना, हमें हर एक चीज से निजात देता है, हर दुख तकलीफ बीमारियों से निजात देता है, क्योंकि उसका नाम ही निजात देना है। उसका वो निजात दहिंदा इसीलिए है कि हर एक चीज से हमें वो निजात देता है, ना कि गुनाहों से, ना कि पाप से मिलाने से, बल्कि हर उस दुख तकलीफ बीमारी से जो हम पर हावी होना चाहती है, तो वो उससे हमें दूर कर देता है जब हम उसकी हुजूरी में आ जाते हैं और उसकी मदद सराय करते हैं और उसके रूह से भर जाते हैं। क्योंकि रूह कुदस चाहता है कि हम बाप की हुजूरी में आए, यही रूह कुदस का काम है मसीह यीशु के नाम से। तो हम शुक्र करते हैं। हम अभी मुस्कान हमारे साथ है, मैं उससे कहूंगी कि चलती हुई मीटिंग के लिए दुआ करें, फिर हम कलाम के लिए कोर्स गाएंगे। आज कलाम की खिदमत हमारे ब्रदर पास्टर रशीद यूसुफ करेंगे।
तो मुस्कान आप दुआ करें, फिर उसके बाद हम कोर्स कहेंगे, फिर पास्टर सानिया जो है वो खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे। प्रेस हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हुए खुदा के हुजूर दुआ करेंगे। आसमान और जमीन के बुजुर्ग कुदूस जलाली पिता खुदा, तेरे नाम की शुक्र गुजारी करती खुदा इस खूबसूरत लम्हात के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया, ताकि आपके सुंदर कदमों में आके झुक सके और आपके नाम को जलाल दे। खुदा हम कमजोर है लेकिन तू जोर और बाप है खुदा, तुम्हारी कमजोरियों को शाजोरियों में बदलने की कुदरत रखता है खुदा। अपने जलाल की कुदरत को जाहिर कर यीशु मसीह के नाम से खुदा, जब तक वर्शिप की गई खुदा तेरा अब्बर तेरा मसीह यीशु मसीह के नाम से ठहरा रहा खुदा। जिस जुबान ने तेरे हुजूर गाया खुदा उसे और बरकत देना खुदा, उसके गले को छूना खुदा, उसके गले की रगों को छूना यीशु मसीह के नाम से खुदा। इस पूरे इबादत के माहौल को तेरे हैंड ओवर करती खुदा, जितना वक्त गुजर गया खुदा उसके लिए तेरे हुजूर शुक्र गुजार खुदा। जो बाकी हिस्सा इबादत का रहता है खुदा उसमें भी तेरा जोर मांगती यीशु मसीह के नाम से खुदा। आज के कलाम के लिए खुदा अपने खादम को अभी से छू लेना खुदा, जो भी तेरा कलाम तेरा खादम तेरे कलाम को बयान करे खुदा, मुकाशवात के बेद देना, इल्म का कलाम नबूत का कलाम देना, ताकि खुदा आज के कलाम के वसीला से तरह के बंधन जुए यीशु मसीह के नाम से टूटते चले जाए खुदा। हमारा तेरे हुजूर झुकना तुझे पसंद आए खुदा, दुआएं करना तेरे हुजूर बखूर की मन्नत कबूल है यीशु मसीह के नाम से खुदा। इस होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के लिए तेरे हुजूर दुआ करो खुदा, इसमें होली सेंचुरी मिनिस्ट्री की हदों को बढ़ा, ताकि इसी तरह और बहुत से लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े और खुदा हम मुत्तफिक होकर तेरे नाम को जलाल देने वाले यीशु मसीह के नाम से खुदा। जितने लोग ऑनलाइन हुए उन सब पर तेरी बरकत तेरी ब्लेसिंग यीशु मसीह के नाम से मांगते खुदा, और जितने लोग ऑनलाइन होने का इरादा रखते खुदा जल्द से जल्द उनको भी ला यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम खुदा के कलाम के लिए कोर्स कहेंगे। मुस्कान आप खुदा के कलाम के लिए कोर्स भी गाएं प्लीज। ओके। तेरा कलाम जमाने में ए खुदावंदा, तेरा कलाम जमाने में ए खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में ए खुदा बंदा, तेरा कलाम है शोला भी और शब्दी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनंदी, तेरा कलाम है अनमोल खुदा बंदा, तेरा कलाम है अनमोल खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को
रोशनी तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ए खुदा बंदा, ना था वजूद किसी शे का जब ज़माने में, ना था वजूद किसी शे का जब ज़माने में, खुदा तू तेरे साथ तेरा कलमाता, खुदा तू तेरे साथ तेरा कलमाता, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा नाम ज़माने में ए खुदा बंदा, ए खुदा बंदा, ए खुदा बंदा, अमीन अमीन अमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं ब्रदर सानिया से दरख्वास्त करूंगी कि वो खुदावन के कलाम के लिए दुआ करें। ब्रदर सानिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? आइए हम खुदावन के कलाम के लिए दुआ करेंगे। कुदूस कुदूस नहायत मेहरबान बाप खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हुए, तेरी मदर सराई करते हुए, तेरी बारगाहों में दाखिल हुए हैं खुदावन, जैसे तेरी मर्जी है कि हम तेरा शुक्र बचा लाते हुए, तेरी मदर सराई करते, तेरी हमद और सताइश करते हुए तेरी हुजूरी में आए खुदावन। तू मेहरबान बाप है, तू आसमान से निगाह करता है खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप आसमानी। तू आ और इस मीटिंग का चार्ज ले आए खुदावन। अब वक्त है कि आए खुदावन हम तेरे कलाम को सुने, आए खुदावन तेरे दिल की बातें, तेरे मीठी बातें, मुंह की मीठी बातों को हम सुने जो तू हमसे कलाम करता है अपने बंदों के वसीले से, ताकि हम उस कलाम को सुने, समझें और उससे उसको अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें, क्योंकि तेरा कलाम हमारे राह के लिए रोशनी, हमारे पाओं के लिए चिराग है बाप आसमानी। और तेरा कलाम ऐसा है कि जो बंद बंद गुदे गुदे को खोल देता है खुदावन। हम तेरे इस कलाम के लिए, तेरे मुंह की बातों के लिए, तेरे दिल की बातों के लिए जो तू अपने दिल में हमारे भलाई के लिए रखता है, उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और तेरे बंदा के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, उस पर तेरे रूह कुदस का मासा चाहते हैं, तो उसको अपने रूह से भर दे, उसको हिकमत और दनाई और लफ्जों की तरतीब देना बाप आसमानी, बल्कि क्योंकि वो कलाम ना करे बल्कि तू हमसे कलाम कराए खुदावन। तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावन सारे पार्टिसिपेंट के लिए, आए खुदावन जो हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, एक चर्च, तेरा चर्च इकट्ठा है खुदावन। तू हम सब पर अपने रूह कुदस से हमको भरे रखा है खुदावन, ताकि हम इस तरह रूह सच्चाई के साथ इकट्ठे होकर तेरी इबादत कर सके आए खुदावन। हम बहुत कमजोर हैं, नाचीज हैं, गुनहगार हैं, लेकिन तू बाप आसमानी इन चीजों को ही सामने रहता, क्योंकि हमारी कमजोरियों में तू जोर पकड़ता है बाप आसमानी। उसे मिन्नत करते तू हमारे कानों को खुले रखना, ताकि हम तेरी मीठी शीरी आवाज को सुनते रहे अटेंटिवली, और वो हमारी जिंदगियों के लिए, हम अपनी जिंदगियों में उस कलाम के वसीले से फल लेकर आए जो तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे। हमने जो कुछ मांगा तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से,
मांगते हैं, आमीन। आइए आइए हम अपने खादम को, खुदावन के खादम को, खुदावन के कलाम को हम तालियों की आवाज की गूंज में हम उनको वेलकम करते हैं, क्योंकि खुदावन के कलाम, खुदावन ने अपने कलाम को हर चीज से ज्यादा ऊपर दर्जा दिया है खुदावन, क्योंकि खुदावन जब जब बोलता है हर चीज प्लेस में आती है, उसके बोलने से, उसके कलाम के वसीले से जमीन और आसमान और सूरज अपनी अपनी जगह पे खड़ा है। यीशु में आप सबकी सलामती हो, आपकी भी सलामती, खुदावन आप सबको बरकत दे, आपको भी बरकत। सबसे पहले हम खुदा बाप बेटा और कुदस का तहे दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ कि आज खुदावन ने एक बार फिर से मुमकिन किया कि हम खुदावंत की आवाज के शिनवा होने वाले। कलाम खुदा, थोड़ी देर पहले जो हमने कोर्स गाया उसमें हमने एक अंतरा गाया, न था वजूद किसी शय का जब जमाने में, खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा था। यानी कि खुदा का कलाम जो है वो अजल से लेकर अब तक कायम और दायम रहेगा। सो खुदा के कलाम की कुदरत जो हमारी जिंदगी में रहती है, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस सारे वक्त के लिए, खुदावंद की तमाम नेमतों के लिए, बरकात के लिए, और बिलखसूस इस वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में दिया, ताकि हम खुदावंद की आवाज के शिनवा होने वाले हों, ताकि हम खुदावंद की आवाज को सुनने वाले हों। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्ग नौजवानों, मेरा और आपका खुदा बड़ा अजीम खुदा है, क्योंकि उसका कलाम जो है वो हमें तसल्ली से भरता है, उसका कलाम जो है वो हमें कुवत और दलेरी से भरता है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्ग नौजवानों, आज का जो हमारा मजमून है वो है रास्तबाजी। आज हम खुदा के कलाम में से रास्तबाजी के बारे में सीखेंगे। सो आए मेरे साथ निकाले जिनके पास खुदावंत का जिंदा और जिंदगी बख्श पाखलाम है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका छठा बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा को हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। कलाम अकदस में कुछ यूं मरकूम है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। खुदावंत के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंत की खास बरकत हो। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्ग नौजवानों, आज का जो मेरा मजमून है वो है रास्तबाजी। सो रास्तबाजी के जो लफ्जी मायनी है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, आपके ईमान को बढ़ाना चाहता हूं। रास्तबाजी का जो मतलब है, सच बोलने वाला, दयानतदार, सादिक, अमीन, सच्चा, भेदया, सीधी बात करने वाला, झूठ ना बोलने वाला, पाक दामन, ब्राह रास्त, यानी कि जो कलाम उसे खुदा से मिलता है वो ब्राह रास्त अपने लोगों से करता है। सो ये रास्तबाजी के मतलब है जो मैंने आपको बताए हैं। सो खुदा की राह पर चलने वाले और खुदा अपने खादमीन के साथ डायरेक्ट कलाम करता है, यानी कि ब्राह रास्त, और वही कलाम जो है फिर कलीसियाओं में जाता है। सो कलाम मुकद्दस इस बात को बड़ी क्लैरिटी से बयान करता है, खबरदार, यानी कि जहां पर भी हमें खबरदार किया जाता है, इट्स मीन कि वहां पर हमारे लिए खतरे की बात है। जब हम ट्रेवल करते हैं, जब हम किसी रोड पर सफर करते हैं, तो अगर वहां पर हमें कोई बोर्ड नजर आ जाए, खबरदार ये रास्ता जो है वो बड़ा खतरनाक है, तो हम बड़े होशियार हो जाते हैं और फिर हम उन रास्तों पर नहीं चलते, उस रास्ते से हम वापस लौट आते हैं। सो कलाम खुदा बामुताबिक मत्ती रसूल के मुताबिक
जो अंजील है उसके मुताबिक खुदा मुझसे और आपसे बात करता है, मुझसे और आपसे कलाम करता है, और खुदा का कलाम मुझे और आपको तंबीह करता है। खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। यानी कि अगर हम अपने रास्तबाजी के काम, यानी कि जो हम अपने आप को रास्तबाज भी कहते हैं, रास्तबाजी के काम भी करते हैं, सो अगर हम आदमियों से अजर लेने के लिए, लोगों से अजर लेने के लिए करते हैं, तो कलाम खुदा इस बात को बड़ी क्लैरिटी के साथ लिखता है, बड़ी क्लियरली मुझसे और आपसे कहता है कि फिर हमारा जो है वो आसमान पर कुछ भी अजर मौजूद नहीं है। कलाम खुदा में लिखा है कि अगर तेरा सीधा हाथ खुदा की राह में कुछ करता है तो तेरे उल्टे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। रास्तबाज सच बोलने वाला, सच बात कहने वाला, बाइबल मुकद्दस मुताबिक यूहन्ना की इंजील सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच बोलने वाला, दयानदार, खुदा के कलाम को पेश करने वाला। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, खुदा जो है वो बड़ा ही अजीम खुदा है। खुदा की कुदरत जो है वो बड़ी अजीम कुदरत है। सो आज मुझे और आपको इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आया हम जो भी काम खुदा के जुर में करते हैं, इबादत करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, या हम खुदा के जुर में कुछ भी रास्तबाजी के लिए करते हैं, तो वो हम लोगों को दिखाने के लिए ना करें या अपनी बड़ाई के लिए ना करें। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि अगर हम लोगों के लिए करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं कि हमारी वाह-वाह, हमारी बल्ले बल्ले हो जाए, तो फिर कलाम मुकद्दस इस बात को लिखता है कि फिर इसमें तुम्हारी कुछ भी जो है आसमान पर तुम्हारे लिए कुछ भी अजर नहीं है। फिर आप इस बात से बेगम हो जाएं, इस बात से बेखबर हो जाएं कि आपको आसमान पर कुछ अजर मिलेगा। सो आए जरा मेरे साथ खुदा के कलाम को देखें, अय्यूब उसका 33वां बाब और उसकी 3री आयत मुकद्दसा को हम जब खुदा के कलाम में से देखते हैं, तो कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, मेरी बातें मेरे दिल की रास्तबाजी को जाहिर करेंगी और मेरे लब पर जो कुछ जानते हैं उसको सच्चाई से कहेंगे। यानी कि कलाम खुदा यहां पर अय्यूब की मार्फत मुझसे और आपसे हम कलाम है, मेरी बातें मेरे दिल की रास्तबाजी को जाहिर करती हैं। बाइबल मुकद्दस में जब खुदावंद यीशु मसीह के शगिर्द एक जगह पर खाना खाने के लिए बैठे, तो उन्होंने कहा कि हाथ धो लेने चाहिए, लेकिन वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही कि जो चीज इंसान के मुंह में जाती है वो इंसान को नापाक नहीं करती, बल्कि जो कुछ इंसान के अंदर से, इंसान के मुंह से, इंसान की जुबान से निकलता है वो इंसान को जो है वो नापाक करता है। यानी कि जो चीज हम खाते पीते हैं वो हमें नाराज तो नहीं करती, बल्कि जो कुछ हमारे अंदर से निकलता है, यानी कि जो बातें हम अपने मुंह के जरिए से कहते हैं। तो यहां पर भी युग कहता है कि मेरी बातें मेरे दिल की रास्तबाजी को जाहिर करेगी, यानी कि आप जो बातचीत करते हैं, आप जो कलाम करते हैं, आप उससे अंदाजा करते हैं कि आया ये शख्स कितना खुदा के करीब है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं
रेहान बोंकी ये एक अंग्रेज फिलोसोफर है। सो इसने एक बड़ी खूबसूरत बात अपनी किताब में लिखी, मैं जब उसका मुतालिया कर रहा था तो उसने उस किताब में लिखा कि अगर हमें किसी शख्स को जज करना है, अगर हमें किसी को चेक करना है तो हम दुआ के वसीला से उसको चेक कर सकते हैं, दुआ के वसीला से। क्योंकि कलामे मुकद्दस में भी लिखा है मेरी बातें मेरे दिल की रास्तबाजी को जाहिर करेगी, और वो भी कलामे मुकद्दस के इस हवाले को कोट करता है कि जो इंसान के दिल में होता है वही उसकी जुबान पर आता है, मेरी बातें मेरे दिल की रास्तबाजी को जाहिर करेंगी। और उसने कहा कि आप जब कोई भी शख्स दुआ करता है तो आप इस बात से अंदाजा कर लेते हैं, आप इस बात से आइडिया कर लेते हैं कि आया ये शख्स कितना रास्तबाज है। और आगे कलाम मुकद्दस में लिखा है और मेरे लब जो कुछ जानते हैं उसी को सच्चाई से कहेंगे, यानी कि जो कुछ मेरे लबों को पता है मेरे अंदर है वही जो है वो इंसान बयान करता है। सो इसीलिए अय्यूब नबी कहता है मेरी बातें मेरे दिल की रास्तबाजी को जाहिर करेगी और मेरे लब जो कुछ जानते हैं उसी को सच्चाई से कहेंगे। सो मेरी बहनों मेरी बेटियों बुजुर्गों नौजवानों खुदा का कलाम आईने की तरह साफ है और बाइबल मुकद्दस बयान करती है सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सो मेरे साथ एक और हवाले को देखें जबूर 25 और उसकी 21वीं आयत मुकद्दसा को हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है दयानतदारी और रास्तबाजी मुझे सलामत रखेंगे क्योंकि मुझे तेरी ही आस है। यानी कि दीनदार आदमी दयानतदार आदमी जो खुदा की राह में खुदा के काम में दयानतदार है ईमानदार है खुदा की खिदमत के लिए हम वक्त वो होशियार और रवेदार है, हालात कैसे भी क्यों ना हो मौसम कैसा भी क्यों ना हो लेकिन वो खुदा के कलाम के लिए हम वक्त जो है वो होशियार और रवेदार रहता है। अय्यूब नबी पर आप सब जानते हैं कि किस कदर मुसीबतों के तूफान आए, उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, लेकिन उसने अपने खुदा को याद करना बंद नहीं किया। हालांकि उसकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है उसकी बीवी कहते हैं कि तो अपने खुदा की तकफीर कर और मर जा, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए। सुमरी बहनों मेरी बेटियों बुजुर्गों नौजवानों आज सिर्फ हम खुदा के हजूर से सुख लेना चाहते हैं दुख बर्दाश्त नहीं करना चाहते, लेकिन कलाम कहता है कि दयानतदारी और रास्तबाजी मुझे सलामत रखेंगे। अगर हम दयानतदार हैं अगर हम रास्तबाज हैं तो फिर खुदा जो है वो हमें सलामत रखेगा। सो मेरी बहनों मेरी बेटियों बुजुर्गों नौजवानों मैं बताना चाहता हूं कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपने सफर नहीं करना, गुज़श्ता 10-15 दिन से मेरी कमर में शदीद तकलीफ है लेकिन मैं एक दिन भी अपने घर पे नहीं बैठा, मैं अंजील की मुनादी के लिए बिशारत के लिए जहां पर भी मेरी मीटिंग होती है मैं जाता हूं, तकलीफ में भी होता हूं लेकिन मैं फिर भी खुदा की खिदमत के लिए जाता हूं। सो जब आप खुदा के लिए करेंगे तो खुदा आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। आज भी मैं एक मीटिंग लेकर आया हूं और मैं अभी भी खुदा के कलाम को बयान कर रहा हूं, लेकिन जब हम खुदा के हजूर में सेक्रीफाइस नहीं करते कुर्बानी नहीं चढ़ाते तब तक हमारी जिंदगी में काम नहीं होता। जबूर नवीस के मुताबिक कलाम खुदा में लिखा है दयानतदारी और रास्तबाजी मुझे सलामत रखे क्योंकि मुझे तेरी ही आस है। क्योंकि जो लोग खुदा की रास्तबाजी पर ईमान रखते हैं दयानतदारी पर ईमान रखते हैं फिर उनकी आस उम्मीद उनका यकीन उनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा पर होता है। तो जब हमारी आस
उम्मीद जिंदा खुदा पर होती है, फिर ना तो कोई बीमारी, ना कमजोरी, ना कोई तूफान हमारे इरादे को तोड़ नहीं सकता, वो हमारे इरादे को पसपा नहीं होने देगा, क्योंकि उसकी कुवत और कुदरत मेरे हमारे साथ होती है। जब वो हमारे साथ होता है तो फिर हम दुनिया पर गालिब आते हैं। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हम यीशु मसीह से जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। और आज खुदा का कलाम रास्तबाजी के तल्लक से बड़ी खूबसूरत बात लिखता है, क्योंकि खुदा मेरा और आपका जिंदा खुदा है। खुदा जो है वो रास्तबाजी को पसंद करता है, जो खुदा के रास्ते पर चलते हैं, जो खुदा की बातों पर अमल करते हैं, जो खुदा के कलाम को फॉलो करते हैं। जिस तरह अगर आप अय्यूब की जिंदगी का मुतालिया करें तो अय्यूब नबी ने बड़ी मुसीबतें उठाई, उसने बड़े दुख बर्दाश्त किए, और मेरा नहीं ख्याल कि इस जमीन पर जितने दुख, जितनी मुसीबतें, जितनी भी मुसीबतों के पहाड़ अय्यूब नबी की जिंदगी में आए, शायद ही किसी शख्स की जिंदगी में आए होंगे और ना ही कभी आएंगे। ऐसा कोई भी शख्स मौजूद नहीं है इस दुनिया में अय्यूब के बाद जिसकी जिंदगी में अय्यूब जैसी मुसीबतें आई हों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अय्यूब नबी खुदा की हजूरी में रास्तबाज ना होता, वो खुदा के जूर में ना ठहरता, तो फिर शायद जब उसकी बीवी ने उससे कहा तो अपने खुदा की तकदीर कर और मर जा, तो फिर वो भी जो है वो अपनी बीवी की बातों में आता और अपने खुदा की तकदीर करता। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उनकी जिंदगी में तूफान, मुसीबतें, परेशानियां, दुख, मुसीबतें, तकलीफ आती हैं, तो वो खुदा को कोसना शुरू कर देते हैं, वो खुदा से गिला करते हैं, वो खुदा से कहते हैं कि ऐ खुदावंद, क्या मेरा ही घर रह गया तमाम मुसीबतों के लिए, तमाम परेशानियों के लिए, तमाम दुखों के लिए, तमाम तकलीफों के लिए। लेकिन आप अय्यूब नबी की जिंदगी पर गौर करें और उसने अपनी बीवी से कहा कि क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए। तो जब आप खुदा के रास्ते पर होते हैं, जब आप रास्तबाजी पर होते हैं, तो फिर आपकी जिंदगियों में तूफान आते हैं और आपकी जिंदगियों में अबलीस तूफानों को खड़ा करता है, चाहे वो तूफान बीमारी की सूरत में हो, चाहे वो तूफान फाइनेंशियली तौर पर हो, चाहे वो तूफान किसी भी किस्म के हो जो आपको खुदा की राह में जाने से रोके। ये वो तूफान है जो अबलीस आपकी जिंदगी में खड़े करता है कि आप खुदा के रास्ते से हट जाएं, आप खुदा की बताई हुई बात से हट जाएं। और बाइबल मुकद्दस उन लोगों के बारे में कहता है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 5वां बाब और उसकी 6वीं आयत-ए-मुकद्दसा में कुछ उम्र गुम है कि आप सब मुझे सुन रहे हैं, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? सुन रहे हैं आप सब? क्योंकि मेरा नेट स्लो हो गया था तो मैंने समझा कि शायद मेरी आवाज आ रही है। सो कलाम मुकद्दस बा मुताबिक मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 5वां बाब और उसकी 6वीं आयत-ए-मुकद्दसा में लिखा है, ये उन लोगों के लिए है जो रास्तबाजी के लिए दुख उठाते हैं, जो रास्तबाजी के लिए किसी चीज को खुदा की राह में कुर्बान करने से दरेक नहीं करते, चाहे वो फाइनेंशियली तौर पर हो, चाहे वो जिस्मानी तौर पर हो, चाहे वो किसी भी तौर पर हो, जिसकी वजह से वो खुदा के हजूर में जाते हैं और उसकी रास्तबाजी को पूरा करते हैं। ये खुदावंद उन लोगों के बारे में कहता है। और कलामे मुकद्दस में कुछ मरकूम है, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 5वां बाब और उसकी 6वीं आयत-ए-मुकद्दसा में, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो अशुदा होंगे।
मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस जमीन पर मैं और आप रहते हैं, इस जमीन पर बड़ी उलझने हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, दुख है, तकलीफें हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स इन दुखों से खाली हो, मुसीबतों से खाली हो। चाहे कोई पास्टर है, मुबशर है, एल्डर है, डीकन है, चाहे कोई भी खिदमत गुजार है, किसी भी किस्म की वो खिदमत करता है, वर्शिपर है, या कोई सास प्ले करता है, सो आज कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बाइबल मुकद्दस उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी को जारी करता है। खुदा का कलाम एक बड़े मेरे और आपके लिए ऑनर को जो है वो जारी करता है, और वो ऑनर क्या है, कलाम में खुदा कहता है मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो अशुद्धा होंगे। आज इस जमीन पर बड़ी भूख है, बहुत सारे लोग भूखे हैं, बहुत सारे लोग प्यासे हैं, पर आज लोग अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए तरह तरह के जराय भी करते हैं, तरह तरह के काम भी करते हैं। लेकिन मेरा और आपका जिंदा खुदा, जो हमारी जिंदा होप है, जिंदा उम्मीद है, वो कहता है कि मुबारक वो है जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो अशुदा होंगे। हालेलुया। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, रास्तबाज शख्स की जिंदगी में बड़ी सारी मुसीबतें आते हैं। कभी उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी वो फाइनेंशियली तौर पर परेशान हो जाएगा, कभी वो जिस्मानी तौर पर, क्योंकि अब्लीस जिसका काम है जोर लगाना और खुदा के काम को रोकना, ये अब्लीस का काम है। वो नहीं चाहता कि लोग खुदा की रास्तबाजी को पूरा करें, लोग खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलें। और जो लोग आज सच्चाई के साथ खुदावंत की खिदमत करते हैं, ये जमीन उनके लिए तंग कर दी जाती है, उनको बड़ा सताया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, क्योंकि वो उसकी रास्तबाजी को पूरा करने के लिए दिन रात जो है वो मेहनत करते हैं, और लोगों को भी इस बात पर तैयार करते हैं कि वक्त बहुत नजदीक है, आए खुदावंत की रास्तबाजी को पूरा करें। सो मेरे साथ देखें, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पांचवां बाप और उसकी दसवीं आयत मुकद्दस को, जैसे कि मैंने पहले बताया कि लोग जो खुदा के लोग हैं, जो रास्तबाजी को पूरा करते हैं, फिर उनके रास्ते में रोड़ों को अटकाया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें मिनिस्ट्रियों से निकाला जाता है, उन्हें पीछे कर दिया जाता है कि रास्तबाजी का काम रुक जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके ईमान को बढ़ाना चाहता हूं कि खुदा का कलाम इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया जीली बयान, उसका पांचवां बाप और उसकी दसवीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं। हालेलुया। यानी कि मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनाने के लिए जब मेहनत करते हैं, जब लोगों को उसकी रास्तबाजी के लिए प्यार करते हैं, लोगों को वो राह दिखाते हैं जिस राह के बारे में मेरे और आपके यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी शख्स मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता, राहक और जिंदगी मैं हूं। अब यही राह जब आप लोगों को दिखाते हैं तो आपकी जिंदगी में बड़े सारे नशेबो फराज आते हैं, और कई बार आपको जो है वो रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन खुदा का कलाम जो कुवत और दिलेरी से भरा है, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया। आज लोग जमीनी बादशाही के पीछे भागते हैं, और बाइबल मुकद्दस बयान करती है पहले ढूंढो उसकी बादशाही को, बाकी सारी चीजें जो है वो इनाम में मिल जाएंगी। आज हमें उसकी रास्तबाजी को ढूंढने की जरूरत, उसकी बादशाही को ढूंढने की जरूरत है। और बाइबल मुकद्दस कहती है, गम ना कर, बेदिल ना हो, मैं तेरे साथ,
कोई बात नहीं, अगर अब्लीस तेरी जिंदगी में कितने भी एडवेंचर करता है, कितनी ही मुसीबतें वो तेरी जिंदगी में लेकर आता है, लेकिन तूने रास्तबाजी की राह को नहीं छोड़ना, तूने उसी रास्ते पर चलना है जो रास्ता मैंने तुझे बताया है। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया। सो ये खुदा के कलाम जो है वो हमें कुवत और दलेरी से भरता है। ये जमीन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस जमीन पर कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो, हर शख्स के साथ कोई ना कोई परेशानी जुड़ी हुई है, कोई ना कोई मुसीबत उसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन बाइबल मुकद्दस जो हमारे लिए कुवत को, हमारे लिए राहत को, हमारे लिए चैन को, हमारे लिए खुशखबरी को जारी करती है, खुशी की खबर सुनाती है, और वो ये खुशी की खबर है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए। यानी कि जब आप खुदा की राह में चलते हैं, लोग आपको सताते हैं, जब आप खुदा के लिए राह को तैयार करते हैं, फिर खुदा का कलाम जो है वो आपको कुवत देता है, आपको दिलेरी देता है। वो कहता है कि मुबारक है वो लोग, मुबारक है वो बेटे, मुबारक है वो बेटियां, मुबारक है वो बहनें, मुबारक है वो बच्चे, मुबारक है वो वर्शिपर जो खुदा की रास्तबाजी के जरिए से या रास्तबाजी के वसीला से सताए जाते हैं। जब लोग उनको लान तान करते हैं कि लो जी ये तो बड़ा भगत बन गया है, ये तो बड़ा जो है वो रूहानी बन गया है। सो खुदा का कलाम कहता है मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसा ही है। कोई बात नहीं, अगर कोई आपको सताता है, परेशान करता है, तो आपने इस बात से जो है वो पीछे नहीं मुड़ के देखना, पीछे नहीं जाना, क्योंकि जब आपने हल पर हाथ रख लिया है तो आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। बाइबल मुकद्दस बयान करती है मुबारक है वो लोग जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसा ही की है। यानी कि जो खुदा के लिए, खुदा के काम के लिए, खुदा की राहों को सीधा करने के लिए सताए जाते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी खुदा के लिए राहों को तैयार करता है, वो खुदा की राह को सीधा करता है। और आज जितने भी हम खुदा के खदाम हैं, खुदा की खद, जितनी भी खुदा की बेटियां हैं, जितनी भी खुदा की खादमा हैं, खुदा उनके वसीला से रास्तों को सीधा करता है, खुदा उनके वसीला से रास्तों को तैयार करता है, जिन पर कलीसियाएं चल कर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास जाती हैं, जिसने कहा कि राह हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, जवानों, रास्तबाजी पर चलना बड़ा ही मुश्किल है, और बाइबल मुकद्दस जो मेरी और आपकी रहनुमाई करती है, बाइबल मुकद्दस बामुताबिक मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया जीली बयान उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत मुकस्सा हमें थोड़ा सा होशियार और बेदार करती है। एक बार फिर से वो हमें झंझोड़ती है, हमारे ईमान को झंझोड़ती है। सो आए जरा देखते हैं। सो मैं चाहूंगा कि इस आयत मुकस्सा को कोई भी जो है वो रीड करे, इसकी तिलावत करे, तो जरा हम देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें किस तरह से झंझोड़ता है, हमें याद दिलवाता है कि रास्तबाज के लिए कितना कुछ जो है वो जरूरी है। जी कोई भी जो है वो मेरी बेटी या मेरी बहन या भाई कोई भी जो है वो तलावत में रहनमई कर सकता है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया जीली बयान उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत मुकस्सा को जल्दी से जो भी निकाले वो तलावत में रहनमई करे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया जीली बयान उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत मुकस्सा को हम खुदा के कलाम में से भी सीखेंगे। जी जी, खुदा के कलाम में यू लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, ये खुदावंद यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे कलाम कर रहे हैं, आज वो मुझे और आपको एक बार फिर से तंबीह कर रहे हैं
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम्हारी रास्तबाजी, जी बेटा आगे, तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। हाँ जी, यहां पर हमारे लिए एक बड़े ही खतरे की बात है। आसमान और जमीन का बनाने वाला, जिसके वसीला से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया जीली बयान, उसका पहला बाप और उसकी दूसरी आयत मुकसम में लिखा है कि ये तमाम चीजें यीशु मसीह के वसीला से पैदा हुई। अब वही यीशु कहता है, अब वही यीशु मुझसे और आपसे बल्कि कौमों, कबीलों, उम्मतों से मुखातिब है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगी। यानी कि फकीहों फरीसियों से ज्यादा मेरी और आपकी रास्तबाजी होनी चाहिए। आज हम थोड़ा सा, जब खुदा हमें ब्लेस करता है तो अबलीस जो जिंदगियों के पीछे लग जाता है, जिंदगी में अकड़ आ जाती है, लेकिन बाइबल में कदस बयान करती है क्योंकि मैं तुमसे कह रहा, ये सुन सी कह रहा, मैं तुमसे कह रहा अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों से ज्यादा ना होगी। यहां पर ये मेरे और आपके लिए अब सीखने की बात है, इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारी रास्तबाजी आया फकीहों और फरीसियों से ज्यादा है या कम है। बाइबल में तो बयान करती है कि अगर हमारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों से ज्यादा ना होगी तो हम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होंगे। आज इस बात पर हमें गौर करने की जरूरत है, संजीदगी से इस बात पर अमल करने की जरूरत है। मुकद्दस नूह, अगर हम उसकी जिंदगी का मुतालिया करें, उसकी जिंदगी के जो 120 साल हैं वो खिदमत में गुजरे हैं, उसने मुनादी की है और खुदावंत की रास्तबाजी को उसने पूरा किया है। लेकिन मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आप इस बात को याद रखें जब खुदा ने उससे कलाम किया कि अब तू मेरे लिए एक कश्ती बना, एक नौ बना, उसने खुदा के कलाम पर मनो अन जो है वो अमल करना शुरू कर दिया और साथ साथ वो मुनादी भी करता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि उसके बाद खुदा ने जो वादा किया था, आसमान ने अपना पानी दिया, जमीन ने अपना पानी दिया, वो लोगों को भी बता रहे हैं कि वक्त नजदीक है, खुदा आसमान से पानी देगा, जमीन अपना पानी देगी, दुनिया तबाह हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन किसी ने जो है वो उसकी बात पर कान ना धरे। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्ग नौजवानों, और उसकी 120 साल जो खिदमत थी, 120 साल खिदमत में सिर्फ 8 जिंदगियां वो बचा सका, और सिर्फ अपने खानदान की, अपने घर की। और आज मैं ये बात आपसे करना चाहता हूं कि इंसान का बचना बड़ा ही मुश्किल है, इंसान का बचना बड़ा ही मुश्किल है। उसने 120 साल जो है वो मुनादी की है, लेकिन आज इंसान की उम्र जो है 50-60, कुवत ताकत हो 70-80 बरस, बस इससे ज्यादा नहीं है। और वो सिर्फ 120 साल की खिदमत में 8 जिंदगियां बचा पाया है। जो रास्ता खुदा ने उसे दिया, जो रास्ता खुदा ने उसे बताया, वो उससे पीछे नहीं हटा। हालांकि उसको बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ी होंगी, लोग उसको मजाक भी करते होंगे कि लगता है बाबा पागल हो गया, बाबा कहते बारिश आनी है, आसमान पर इतनी कड़क धूप है, बारिश कहां से आएगी। लेकिन जो बात खुदा ने उससे की, जो रास्ता खुदा ने उसे बताया, वो उस राह पर चलता रहा, वो बुनियादी भी करता रहा, वो लोगों को बताता भी रहा, वो साथ साथ अपनी फैमिली को भी तैयार करता रहा, वो साथ साथ कश्ती भी बनाता रहा, वो मुनादी भी करता रहा, और 120 सालों में वो 8 जिंदगियां बचा पाया। आज मेरे लिए और आपके लिए
इस बात को संजीदगी से लेना पड़ेगा कि आया कि हमारी रास्तबाजी सिर्फ बातों पर मौकूफ है या कि हमारी रास्तबाजी जो है वो फकीयों और फरीसियों से ज्यादा है। कि आज हम दुनिया की चीजों के लिए, दुनिया के ऐशो इश्रत के लिए जो है वो ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा की बादशाही के लिए, खुदा की रास्तबाजी को ढूंढने के लिए, खुदा के करीब जाने के लिए, कि बाइबल मुकद्दस मेरे और आपके लिए इस बात को लिखती है कि अगर हमारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों से ज्यादा ना हुई तो फिर हम कभी भी आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकते। सो अगर हम खुदा कलाम खुदा को देखते हैं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका छठा बाब और उसकी 33वीं आयत मुकद्दसा, इसमें कुछ उमर कुम है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। हालेलुया। सबसे पहले हमें खुदावंत की बादशाही को और उसकी रास्तबाजी को ढूंढने की जरूरत है ताकि हम उसके बताए हुए रास्ते पर खुदा के हजूर में चलें। बाइबल मुकद्दस जब खुदा ने अपने बंदा मूसा को 10 काम दिए तो खुदा ने उसे कहा कि खून ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना। आज भी अबलीस जिंदगियों में वही बातों को डालता है क्योंकि अबलीस का काम है गिराना, अबलीस का काम है रास्तबाजी से दूर करना, अबलीस का काम है खुदा के रास्ते से दूर ले जाना। जिस तरह अबलीस शमसून को, सैमसन को खुदा के रास्ते से दूर ले गए, फिर आप देखें कि उसको अपनी आंखें भी निकलवानी पड़ी। जो सूरमा था इस कदर उसने दुख उठाए, वजह क्या थी कि वो जो रास्ता खुदा ने उसे बताया था, जो रास्तबाजी खुदा ने उसे दी थी, वो उससे पीछे हट गया। अबलीस दलाला की सूरत में उसके पीछे लग गया कि बता तेरी ताकत का राज कहां है। और आज भी अबलीस कई तरह से हमारी जिंदगियों में रुकावटें खड़ी करता है, कभी वो बीमारी के जरिया से, कभी वो परेशानी के जरिया से, कभी वो फाइनेंशियली तौर पर हमें कमजोर करता है ताकि हम जिस राह पर चल रहे हैं या खुदा ने जो रास्ता हमें दिया है हम उस राह से हट जाएं, हम वो काम ना करें जो बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको कहने का करती है। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, खुदा बड़ा ही मेहरबान है, खुदा रास्तबाजों को पसंद करता है। और मैं आपके ईमान को बढ़ाना चाहता हूं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, सो हम रास्तबाजी को कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे हम खुदा की राह पर चल सकते हैं। सो आए हम खुदा के कलाम की तरफ, हासिल कलाम की तरफ बढ़ते हैं। रोमियो पहला बाब और उसकी 17वीं आयत मुकद्दसा को हम खुदा के कलाम में से देखते हैं और सीखते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, इस वास्ते कि मैं उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। हालेलुया। खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, यानी कि आप ईमान के वसीला से खुदा की रास्तबाजी में रह सकते हैं। आप ईमान के वसीला से जो है खुदा की रास्तबाजी को पूरा कर सकते हैं। और आगे लिखा है, जैसे
जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, यानी कि अगर आपने रास्तबाजी को पूरा करना है तो फिर आपको अपने पूरे दिल, अपने पूरे जान और अपनी पूरी अकल के साथ जो है वो खुदावंत पर ईमान रखना है। जिस तरह अय्यूब ने खुदावंत पर ईमान रखा, उसने खुदावंत पर तवक्कल रखा और उसने खुदावंत की रास्तबाजी को पूरा किया, चाहे उसकी जिंदगी में एक से बढ़कर एक तूफान आया, एक से बढ़कर उसको जो है वो बुरी खबर सुनने को मिली, लेकिन उसके अंदर ईमान की कुव्वत और कुदरत थी और उसी ईमान से वो खुदा के लिए सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। और फिर देखें कि जब उसने खुदा के लिए बर्दाश्त किया, आज हम कुछ भी बर्दाश्त करना पसंद नहीं करते, लेकिन जब उसने खुदा के लिए बर्दाश्त किया तो किताब मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने उसे पहले से ज्यादा बरकत दी, पहले से ज्यादा दौलत दी, पहले से ज्यादा खुदा ने उसे खूबसूरत बच्चे अता किए। सो आज अगर हम भी खुदा की राह में ईमान के साथ खुदावंत की रास्तबाजी को पूरा करेंगे, जब हम ईमान में रहते हुए खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो फिर मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, खुदा जो है वो हमारी जिंदगी में किसी भी किस्म की कमी को हरगिज नहीं आने देंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। अगर हम उसकी बादशाही को ढूंढेंगे, अगर हम उसकी रास्तबाजी को ढूंढेंगे, तो फिर खुदा जो है वो हमें हर एक चीज वक्त पे मुहैया करेगा। और उसका जो रास्तबाज बंदा है, जो रास्तबाज बेटी है, जो रास्तबाज वर्शिपर है, वो सिर्फ और सिर्फ ईमान से जीता रहेगा। सो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, वक्त अगर गुजर जाए तो वक्त वापस नहीं आता, मौका हाथ से निकल जाए तो मौका वापस नहीं आता, जिंदगी चली जाए तो जिंदगी वापस नहीं आती। आज हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि खुदा ने हमें वक्त भी दिया है, मौका भी दिया है और जिंदगी भी दी है, और खुदा का बेटा यीशु मसीह भी आज हमारे दरमियान आए। आज अपना सारा तवक्कल, अपना पूरा ईमान, अपना पूरा यकीन, अपना पूरा तवक्कल यीशु मसीह पर रखें, जिसने कहा ग्राहक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज हमें खुदावंत की रास्तबाजी को पूरा करना है, और हम खुदावंत की रास्तबाजी को तब ही पूरा कर सकते हैं अगर हमारे अंदर ईमान की कुव्वत और कुदरत है। इसके बिना हम खुदा की रास्तबाजी को पूरा नहीं कर सकते। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि हमारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों से ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम ईमान रखते हैं, अगर हम खुदा के कलाम पर, खुदा के कलाम के उन रास्तों पर चलते हैं जो हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है, सो अगर हम खुदावंत के कलाम की रोशनी में चलते हैं, तो फिर मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, नौजवानों, कोई भी चीज हमें आसमानी बादशाही में जाने से रोक नहीं सकती। लेकिन अगर हम खुदा के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर नहीं चलते, फिर हम कभी भी जो है वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम ही है, खुदा का बेटा यीशु ही है, जिस पर ईमान लाने से हम हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। सो खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। खुदा कदूस बहरोबर के खालिक और मालिक यहोवा पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करता हूँ खुदा, तेरे सारे फजल के लिए, प्यार के लिए, तेरी दी तमाम नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आज के तेरे कलाम के लिए खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ
कि खुदा तूने मुझे अपने कलाम के लिए इस्तेमाल किया। खुदा मैं इस काबिल तो ना था, लेकिन खुदा तूने अपनी कुदरत से खुदा मुझे संभाला है, तूने खुदा अपने पाक लहू से मुझे धोया। इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा, तेरे कलाम के वसीला से खुदा आज जिंदगियां सौ गुना फैलाना। आसमानी खुदा खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ तमाम जिंदगियों के लिए, इनके गिरानों खानदानों के लिए खुदा, जिन्होंने आज तेरे कलाम की मीठी श्री आवाज़ को सुना है। खुदा ये कलाम की तस्वीर इनकी जिंदगियों में, इनके खानदानों में, गिरानों में, शहरों में, मुल्कों में यीशु नाम से ठहर जाए यीशु। और खुदा ये जिंदगियां तेरे कलाम की कुवत और कुदरत से बढ़ती चली जाए यीशु मसीह के नाम से, ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खूबसूरत कलाम के लिए कि रासबाजी, खुदावंद की रासबाजी को ढूंढो तो फिर तुम उसकी बादशाही को ढूंढो, उसकी रासबाजी में शामिल हो। तो रासबाजी क्या है? इट्स एक्सप्रेशन ऑफ द होलीनेस ऑफ द गॉड, इट्स अपोजिट ऑफ द सिन। सो रिमेम्बर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, वी आर राइटियस इन अ क्राइस्ट, बिकॉज यू नो वी कैन नॉट बी होली अनलेस वी unless our sin are forgiven, because the righteousness of God is expression of the holiness of the God, and you cannot get into the holy state unless you confess your sin. But we are lucky that in order to pay our sin, the Christ has given himself. So through Christ we become a righteous, we can be a righteous, you know. Righteousness is like a brother ne bole acche tarike se kaha ki hum खुदावन की रासबाजी में शामिल हो सकते हैं। किस तरह शामिल हो सकते हैं? क्योंकि खुदावन की रासबाजी में सिर्फ मसीह यीशु के वसीला से ही हम रासबाज खिलाए जा सकते हैं। हम वैसे नहीं, जब तक हमारे गुनाहों का कफारा नहीं होगा, और हमारे गुनाहों का कफारा हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने पेड कर दिया। ये बाय खुदावन की रासबाजी हम नहीं बाय कर सकते, लेकिन इट हैज बीन पेड फॉर अस। तो उसने कहा कि जो भी खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लेकर आएगा वो खुदावंद का वो रासबाज कहलाएगा। तो भाई ने बड़े अच्छे तरीके से इसको बयान किया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इनके लिए और इस खूबसूरत कलाम के लिए। हम चाहेंगे कि अब हम अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लें।